नमस्कार, द बेटर इंडिया हिंदी के कार्यक्रम छठते बादल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं कथाकार उषा छाबड़ा आपके लिए आज जो कहानी लाई हूँ उसका शीर्षक है सबसे स्वादिष्ट भोजन। तो चलिए देखते हैं कहानी। वर्षों पहले की बात है, एक राजा हुआ करता था। उस राजा को एक चीज का बड़ा शौक था। जानते हैं क्या? उसे खाने का बड़ा शौक था। हर समय कहता कुछ लाओ, कुछ अच्छा लाओ। तो उसके रसोइये कभी कुछ और कभी कुछ ले आते। सरसों का साग, अच्छा है, पर मुझे तो कुछ और अच्छा खाने का मन हो रहा है। और वो कहता कुछ लाओ, कुछ अच्छा लाओ। और अब उसके लिए क्या आया? उसके लिए आया गाजर का हलवा। और उसने खाया। अच्छा तो है, लेकिन मुझे कुछ और अच्छा खाना है। कुछ और लाओ भाई, कुछ और। और तभी रसोइये ने और कुछ पेश किया। जानते हैं क्या? ये तो कुछ अच्छा तो है, लेकिन बहुत अच्छा जो मुझे चाहिए वो नहीं आ रहा। कुछ अच्छा लाओ भाई, कुछ अच्छा। और इस तरह वो बस कुछ अच्छे की तलाश में रहता। अब उसे गुस्सा चढ़ने लगा। क्या तुम लोगों से कुछ अच्छा नहीं बनता? और रसोइये बेचारे परेशान। और राजा ने मंत्री को कह दिया, मुनादी करवा दो, मुझे एक अच्छे रसोइये की तलाश है जो कुछ अच्छा बना के खिलाए, मेरा मन भर जाए। ये लीजिए, मुनादी हो गई। सुनो सुनो सुनो, राजा को चाहिए एक अच्छा रसोइया जो कुछ ऐसा खिलाए जो राजा ने पहले कभी न खाया हो और जो पूरा मन को तृप्त कर दे। सारे शहर में, गांव में, सब जगह मुनादी हो गई। और एक एक करके लोग आते, कभी कुछ पेश करते, कभी कुछ पेश करते, कभी कुछ और कभी कुछ। राजा खाता और फिर वही बोलता, कुछ लाओ, अच्छा लाओ। लोगों को खाना बनाना ही नहीं आता। फिर एक दिन एक नवयुवक आया और उसे कहा, हुजूर, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा कुछ बना सकता हूँ। बनाओ हुजूर, बस एक ही आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक बात कहो हुजूर, बस ये कहूँगा कि खाने का लुत्फ तो तभी आएगा जब थोड़ा सा आप कुछ ना खाएं सुबह से। तो मैं आपको ऐसी चीज़ खिलाऊंगा। मुझे तो सुनते सुनते ही मुंह में पानी भर रहा है। जाओ, कितनी जल्दी सेब बना के लाओगे? हुजूर, अभी बज रहे हैं 10, 12 बजे तक हुजूर आपके सामने पेश कर दिया जाएगा खाना। ठीक है, बनाओ। अब राजा को आज लग रहा था कि वाकई कुछ अच्छा मिलने वाला है। और वो तब ऐसे ऐसे घूमे जाए और सोचे जाए, पता नहीं रसोइया क्या बना रहा है। और धीरे 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 घड़ी 12 बजे दिखा रही है। अरे भाई, रसोइया को बुलाओ। रसोइया दौड़ता हुआ आया। हुजूर, जी हुजूर, क्या हुआ? 12 बज गए, खाना कहाँ है? हुजूर,
अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा। कितना? हुजूर, बस थोड़ा सा और इंतजार, आधे घंटे का समय दे दीजिए। ठीक है, 12 बजे है, 12:30 ले आना। हाँ हाँ हुजूर, बिल्कुल। हाँ, लग रहा है कुछ अच्छा बना रहा है, रसोई सी लग रहा है, महक भी अच्छी चढ़ रही है। अरे मुझे भूख भी लगनी शुरू हो गई है। अरे 12:30 बज गए, रसोईया अभी तक नहीं। रसोईया को बुलाओ। हुजूर, हुजूर। हाँ, कहाँ है खाना? हुजूर, गुस्ताखी माफ, थोड़ा मैं चाहता हूँ शाही पुलाव सा बन रहा है, अच्छा केसर वगैरह डालूं ताकि सुंदर खुशबू आए, सब जगह आपको एकदम भर दे। अच्छा अच्छा, कितनी देर लगेगी, बातें ना बनाओ। हुजूर, बस आप आधा घंटा मुझे अगर दे दें। सिर्फ आधा घंटा, उसके बाद नहीं? बिल्कुल हुजूर, अभी अभी पेश करता हूँ। ठीक है, जाओ। वो चला जाता है और राजा अब आधे घंटे का इंतजार कर रहा है, और आधा घंटा बीत गया, अभी तक रसोईया लेकर नहीं आया खाना, और पेट में उछल रहे हैं चूहे। अरे भूख लग रही है, ये अभी तक क्यों नहीं आया? जो बहुत गुस्सा चढ़ रहा है, बुलाओ उसको। हुजूर, आपने बुलाया? अरे तुम कर क्या रहे हो, इतनी देर से कह रहा हूँ भूख लगी है, भूख लगी है, समझ ही नहीं आ रहा। हुजूर, मैं क्या बताऊँ, बस मसाले अभी थोड़ा डाले ही हैं, पक रहे हैं, मैं चाहता हूँ हुजूर को इतना सुंदर खाना पेश करूँ कि हमेशा के लिए याद रखें। अच्छा अच्छा, कितनी देर लगेगी? हुजूर, बस 15 मिनट और, सिर्फ 15 मिनट। ठीक है, जाओ। 15 मिनट भी दे दिए, अभी तक वो नहीं आया। अब तो राजा के पेट में दर्द होने लगा भूख के मारे, उसने कहा, बुला रसोईया को, आया नहीं अभी तक। जी जी हुजूर, जी हुजूर, क्या बात है, अभी तक नहीं, भूख के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। हुजूर, गुस्ताखी माफ, बस 5 मिनट और दे दीजिए। 5 मिनट करते करते बहुत देर हो गई और आ ही नहीं रहा था रसोईया, और राजा को गुस्सा चढ़ा और तमतमाते हुए इसने कहा, जाओ उस रसोईये को ले आओ, और अगर खाना नहीं बना तो उसको कोड़े लगा दो। और देखते ही देखते सबने बुलाया उसको, और रसोईया दौड़ता हुआ आया, हुजूर हुजूर हुजूर, ये लीजिए ये लीजिए ये खाना। और राजा ने देखे चावल, और उसके बाद उसको खाना शुरू कर दिया। वाह वाह, इतना स्वादिष्ट खाना। वाह, ऐसा खाना तो आज तक जिंदगी में मैंने नहीं खाया। और उसने अपना हार उतारा और उसको पहना दिया, और रसोईया बड़ा खुश और खूब खुशी से झूमता हुआ जा रहा है, और राजा भी इधर खुश की आज तो उसके मन की तृप्ति वाला खाना उसने खा लिया। तो सबने पूछा बाहर रसोईये से, तुम्हें तो इतने सारे सब मिल गया उपहार, तुमने बनाया क्या? बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया। हैं, इतनी देर तुमने लगा दी और बनाया क्या? बोले, मैंने तो कुछ भी ना बनाया, मैंने तो उबले चावल राजा को दे दिए। हैं, उबले चावल दे दिए? उबले चावल दिए, और राजा इतना खुश है, और हम तो बना बना के हार गए, खिला खिला के हार गए। वो कहते कुछ लाओ कुछ लाओ, कहते जो राज है ना वो चावलों में नहीं था, राज तो उनके पेट में था। जो भूख है ना वही खाने को स्वादिष्ट बनाती है, खाना नहीं। और मुस्कुराते हुए वो अपने गांव चला गया। धन्यवाद।